हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कोर 8 की दूसरे चैप्टर न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म को। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है और इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो फर्स्ट, व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? ए ऑर्गेनाइजेशन विथ अ पर्टिकुलर पर्पस इज कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशन। मतलब एक संगठन जिसका एक पर्पस है उसको बोला जाता है इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ाया जाता है उसका पर्पस है पढ़ाना, एंड बैंक जो हमारी मनी है ट्रांसफर एंड ऑल करना, मनी को सेफ से रखना उसका पर्पस है। देन गवर्नमेंट ऑफिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये सब है गवर्नमेंट के काम के लिए। देन स्कूल, कॉलेज एंड टेम्पल्स, स्कूल कॉलेज का काम है पढ़ाई करना उधर पे, और टेम्पल्स का काम है पूजा पाठ करना। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अगर एक पर्टिकुलर पर्पस है तो हम उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन। Then, in comparative politics, the thinker of political science used to compare one institution with other institution and with institution of other nation. इसका मतलब ये है कि जो institutionalism है उसको जब हम पढ़ते हैं comparative politics में, तब एक institution को other institution के साथ compare कराया जाता है, चाहे वो एक ही देश में दो institution हो या फिर अलग अलग देश में दो institution. Next, institutionalism. It's an approach in the study of political science which focus on the institution. तो ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का एक अप्रोच है जिसमें इंस्टीट्यूशन के ऊपर फोकस किया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है, उसको अनुध्यान किया जाता है। इट कंपेयर वन इंस्टीट्यूशन विद अदर एंड एनालाइज फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज रूल्स, रेगुलेशंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें एक इंस्टीट्यूशन को अलग एक इंस्टीट्यूशन के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको अच्छे से समझा जाता है कि क्या काम करता है, क्या रूल्स है इसके, रेगुलेशंस क्या है, स्ट्रक्चर कैसे है, फंक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोकसभा को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम उसके सीट्स कितना है पढ़ेंगे, फिर वो कैसे काम करते हैं, क्या क्या रूल्स है उसमें वही। और अगर हम कंपेयर करेंगे तो लोकसभा को हम कंपेयर करेंगे यूएस, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के साथ, तो हम सब कुछ कंपेयर करेंगे, लाइक फंक्शन क्या क्या है, दोनों में कंपेरिजन करेंगे। नेक्स्ट, इट्स एम्फसाइज ऑन द रोल एंड यूजफुलनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो क्या क्या रोल रहता है इंस्टीट्यूशन का उससे पढ़ाया जाता है। इट इवेलुएट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म में हम एक इंस्टीट्यूशन को क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है उसको भी हम पढ़ते हैं। इट स्टडी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम दो या तीन इंस्टीट्यूशन को देखें तो उसमें क्या क्या सिमिलैरिटीज, क्या क्या एक जैसी बातें, क्या क्या और अलग अलग क्या बातें उसको भी हम पढ़ते हैं। इट कंपेयर इंस्टीट्यूशन विद अनदर इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री। मीन्स एक ही कंट्री में दो इंस्टीट्यूशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो भी इसमें किया जाता है, और दो दो अलग देश में, दो दो अलग कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी हम कंपेयर करके पढ़ते हैं। इट इग्नोर ह्यूमन बिहेवियर एंड कोऑपरेशन इन ए इंस्टीट्यूशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसमें इग्नोर किया जाता है ह्यूमन बिहेवियर को एंड कोऑपरेशन इन ए इंस्टीट्यूशन। तो जो इंस्टीट्यूशन है उसमें जो मेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन। यहाँ पे ह्यूमन का मतलब वही है जो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो उनके बिहेवियर एंड कोऑपरेशन बिटवीन देम को इसमें इग्नोर किया जाता है, उसको नहीं पढ़ाया जाता। इट इग्नोर सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ ए इंस्टीट्यूशन। तो इसमें इंस्टीट्यूशन का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है उसमें फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। जेम्स जी मार्ट एंड जोहान बी ओल्सन एंड अदर थिंकर्स केम ड्यूरिंग 1980s एंड मॉडिफाई द इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो इंस्टीट्यूशनलिज्म में क्या था कि केवल फॉर्मल एस्पेक्ट जैसे कि रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑल पढ़ा जाता था, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर, एनवायरमेंट इस सबको छोड़ दिया जाता था, इस सबके ऊपर स्टडी नहीं होता था, बल्कि ये सब भी इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि 1980s में इसको मॉडिफाई किया गया एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म आया। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनलिज्म में कुछ और ऐड किया गया और उसको बोला गया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। ये इंस्टीट्यूशनलिज्म का एक नया क्या है, एक नया रूप है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कंबाइन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ ट्रेडिशनलिस्ट स्कॉलर who studies formal sides of institution like rules, structure, functions, and behavioralist scholar who examine the action and behavior of individual in institution. तो इसमें traditionalist scholar and behavioralist scholar दोनों के interest को पढ़ाया जाता है, like वो सिर्फ rules and regulations पढ़ाया करते थे और behavioralist scholar सिर्फ individual को behavior ऊपर ही focus करते थे। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों को combine कर दिया गया और new institutionalism बन गया।
सोनियो इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है? इट इज एन अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच स्टडीज इंस्टीट्यूशंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स, रूल, कल्चर, चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल, एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन. तो इसमें रूल्स, रेगुलेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर के साथ साथ कल्चर, सोशल, एनवायरमेंट एंड जो मेंबर हैं, जिसको इधर इंडिविजुअल बोला गया है, तो उसका चॉइस, एक्शन, बिहेवियर, कोऑपरेशन, ये सब कुछ पढ़ाया जाता है. इट स्टडी बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों एस्पेक्ट को फोकस किया जाता है. इट स्टडी बिहेवियर, एक्शन, चॉइसेस ऑफ इंडिविजुअल इन इंस्टीट्यूशन. इट स्टडीज इम्पैक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन इज अफेक्टेड बाई सोसाइटी. इसका मतलब हाउ इंस्टीट्यूशन इज अफेक्टेड बाई सोसाइटी, इसका भी हम पढ़ते हैं. और सोसाइटी कैसे इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट करता है और इंस्टीट्यूशन कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करता है, दोनों को फोकस करते हैं. ह्यूमन बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट टू रीड एज इट इज अ सोशल एक्टिविटी एंड ह्यूमन मेक सोसाइटी, सो इट अफेक्ट इंस्टीट्यूशन. तो सोसाइटी किससे बनता है? ह्यूमन से. और ह्यूमन ही रहते हैं इंस्टीट्यूशन में, तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी इंस्टीट्यूशन का रूल्स, रेगुलेशन, फंक्शन होता है, वो सब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसलिए हमें ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको ऐड किया गया न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म में. It also focuses on social, political, economic environment in which institution is situated. तो political environment कैसा है, social environment कैसा है, economic environment कैसा है, सब कुछ इसमें focus किया जाता है और पढ़ाया जाता है. So that की एक institution की full जो भी aspect है, उन सबको पढ़ाया जाए और सब मतलब institution में जो जो भी aspect है, हम सबको focus करें और सबको पढ़े. इससे क्या होगा कि हम institution को अच्छे से समझ पाएंगे. Importance of new institutionalism, it has great contribution to comparative politics. क्योंकि comparative politics में क्या होता है कि हम institution को compare करके पढ़ते हैं, तो जो भी इसमें कुछ अच्छा हमें दिखे और एक institution में, तो वो लाके हम हमारे institution में implement कर सकते हैं, और अगर हमारा कुछ अच्छा है तो वो उसमें से ले जाएंगे. और ऐसा इसमें क्या होगा कि हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएंगे. इट्स अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट एंड कंपेयर ऑल इंस्टीट्यूशंस ऑफ वर्ल्ड, हेल्प टू इम्प्रूव द इंस्टीट्यूशन, हेल्प टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मेंबर्स इन इंस्टीट्यूशन. फाइन. डायमेंशंस ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, रेशनल इंस्टीट्यूशनलिज्म, हिस्टोरिकल देन सोशल. रेशनल, इट इज नीडेड इन सोसाइटी इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल. तो जो सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल है, उनको कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए इसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस देते हैं. देन सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसमें क्या होता है कि इनफॉर्मल एस्पेक्ट लाइक कल्चर, ट्रेडिशन, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इसमें फोकस किया जाता है और इसमें पढ़ाया जाता है. हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, इसमें क्या होता है कि हम इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं और हिस्ट्री कैसे प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है और फ्यूचर को कैसे अफेक्ट करेगा, ये भी हम पढ़ते हैं. सो थैंक यू सो मच. दैट्स ऑल.